आज का जो संदेश है जिसके ऊपर हम आज आपको सिखाने वाले हैं वो बहुत गंभीर टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है। आप सोचेंगे कि इतना अच्छा मौसम है और क्रिसमस आने वाला है, लेकिन देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, शैतान की बातें कर रहे हैं। लेकिन सत्संग में लगभग 3 साल के बाद हम आपको शैतान के बारे में सिखाना चाहते हैं। आप बोलेंगे चर्च में तो हम प्रभु के बारे में सीखने आते हैं, शैतान के बारे में सिखा रहे हैं। आपको मालूम है नए नियम में, बाइबल में, केवल नए नियम में 136 बार शैतान के बारे में लिखा गया। कितनी बार? नए नियम में लगभग 136 बार शैतान के बारे में सिखाया गया है। प्रभु यीशु ने, जब वो इस धरती पर थे, तो प्रभु यीशु ने परमेश्वर के बारे में सिखाया, लेकिन परमेश्वर ने लोगों को, जनता को, सुनने वालों को शैतान के बारे में भी सचेत किया और सिखाया, ताकि लोग जान सकें शैतान कौन है और किस प्रकार हम उससे बच सकते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को शैतान के बारे में सिखाना चाहता हूँ। शैतान कौन है, वो कैसे प्रकट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये सिखाऊँगा आपको कि किस प्रकार विश्वासी लोग अपने जीवन में शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान आपके ऊपर हावी होना चाहता है, शैतान आपके जीवन में काबू पाना चाहता है। शैतान, आप हैं तो परमेश्वर के, आप यीशु पे विश्वास करते हैं, सो यू बिलोंग टू जीसस, आप यीशु मसीह के लोग हैं और हमेशा के लिए आप यीशु के रहेंगे, लेकिन जब तक इस धरती पे आप हैं शैतान का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान अगर किन्हीं लोगों के पीछे भागता है, अगर वो किन्हीं लोगों के पीछे जाकर के उनका जीवन नष्ट और तबाह और उनको उथल पुथल करना चाहता है, तो वो कौन है? वो हम लोग हैं। विश्वासियों के पीछे वो जाता है, मसीही लोगों के पीछे वो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं, कि आप शैतान के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कैसे उसके ऊपर काबू पाएं, कैसे शैतान के ऊपर विजय पाएं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन इस हफ्ते हम उड़ीसा गए थे और उड़ीसा में एक परिवार में हम जब बैठे थे, तो एक 10 साल का बच्चा, मेयरली 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल का बच्चा हमारे पास आया और कहा, पास्टर मैं आपसे शैतान के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहीं पे वचन सुना था, उस बच्चे के दिल में वो गंभीरता बैठ गई थी कि शैतान एक असलियत है और विश्वासी लोगों को शैतान का सामना करना है, शैतान का विरोध करना है और अपने जीवन में शैतान पर विजय को प्राप्त करना है। इसलिए एक बात मैं आपको शुरू में कह देना चाहता हूं कि शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शिक्षा दी। बहुत कुछ प्रभु यीशु ने शैतान के बारे में कहा, लेकिन कुछ बातें जो यीशु ने कही शैतान के बारे में, यीशु ने शैतान को शत्रु कहा। ही कॉल्ड डेविल द एनिमी। इस संसार में कोई भी मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। शायद कुछ लोग हमें दुश्मन समझ सकते हैं, दुश्मन की तरह हमें ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी मनुष्य को दुश्मन नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, एक हस्ती को दुश्मन का दर्जा दिया, और वो सदा के लिए दुश्मन है, और वो शैतान है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के अनुसार, वो लोग आपके दुश्मन नहीं है, आपके शत्रु नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिखाया, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। दुश्मनों से नफरत की जाती है, फिर यीशु मसीह दुश्मनों को प्रेम करने के लिए क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम ऐसे लोगों को जो तुम्हारे साथ बैर रखते हैं, उनके साथ तुम दुश्मनी का रवैया मत रखो। लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु ने दोस्त नहीं कहा, सबको दोस्त कहा, लेकिन एक व्यक्ति को यीशु ने भी कहा कि वो शत्रु है। और वो कौन है? कौन है वो शत्रु? सारे बोले कौन है? शैतान हमारा शत्रु है। यीशु ने कहा वो शत्रु है, वो दुश्मन है। और क्या कहा? शैतान ने उसे दुष्ट जन, यीशु मसीह ने उसे दुष्ट जन कहा, द इवल वन, द एनिमी, शत्रु,
एंड द ईवल वन, दुष्ट जन. संसार में यदि कोई दुष्ट है तो वो दुष्टता का देवता है. दुष्टता का देवता कौन है? शैतान है. अगर हमारे अंदर से दुष्टता निकलती है वो कहां से आती है? शैतान के द्वारा हमारे अंदर से दुष्टता निकलती है. वो हमें प्रेरणा देता है. शैतान के झूठ बोलने से संसार में पाप आया और उसके बाद मनुष्य के अंदर वो दुष्ट, वो जो दुष्टता हमारे अंदर रहती है. लेकिन शैतान के कहने पर जब आदम और हवा ने पाप किया तब से हरेक मनुष्य के अंदर दुष्टता है. पर ये दुष्टता शुरू कहां से हुई? ये दुष्टता का देवता कौन है? परमेश्वर नहीं है. कौन है दुष्टता का देवता? कौन है? शैतान है. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पृथ्वी का राजकुमार कहा. बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, संसार का राजा बनना चाहते हैं. अगर इस तरह की आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, संसार को काबू में कर लो, तो वो शैतान के राज्य में घुसने वाली बात है. इसीलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर के साथ प्रेम करना मतलब दुनिया के साथ दोस्ती नहीं करना. लेकिन शैतान है जो इस दुनिया का मालिक है, इस पृथ्वी का राजकुमार है, क्योंकि सब कुछ वही चला रहा है. लोगों के दिलों में पाप और गंदगी और सब कुछ जो बुरा है. कल हमारे घर में एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की हमारे घर में, जो काम करके हमारी मदद करती है. कल जब वो घर से निकली तो तीन लड़के, नौजवान लड़के उसके पीछे लग गए. और वो लड़की, मुझे नहीं मालूम, चार पांच, मैं घर पे भी नहीं था, मेरी पत्नी घर पे थी, चार पांच गलियों में से घूमते घुमाते लड़की अपनी जान बचाकर वापस हमारे घर में आ गई. फिर मेरी पत्नी ने जाकर बाहर थोड़ा हल्ला किया और कहा कि हम पुलिस को बुलाएंगे, तब जाकर वो लड़के भागे. ये दुष्टता, मासूम लड़कियों के पीछे भागकर उनका जीवन खराब करने की इच्छा रखना, दुष्टता. ये सब संसार का राजकुमार शैतान है जो इस संसार में बुरी बातों को फैला रहा है. उड़ीसा से जब मैं वापस आया तो रात को 1:30 बजे की बात है, जब मैं अपने घर टैक्सी में था, अपने घर पहुंचने वाला था, तो मेरे घर से आधा किलोमीटर पहले दो नौजवान लड़के बिल्कुल सूखे, लेकिन रात को 2 बजे हमारा बाइक पे हमारा पीछा करते हुए बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने उन लोगों ने हमें लूटने के लिए अपनी बाइक को रोक लिया. पर उनको लगा कि अब तो हम रिहायशी इलाके में पहुंच चुके हैं. एक्चुअली ये प्रभु की दया हुई कि उन्होंने हमें कुछ नहीं किया, क्योंकि उसी वक्त वहां से एक गाड़ी और निकल रही थी. उनको लगा कि ये गाड़ी निकल के सुनसान इलाके में जा रही है, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हम सुनसान इलाके में से रात के 2 बजे निकल के घर के पास पहुंच गए थे. तब तक वो हमारा कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया जो घरों से निकल के सुनसान रास्ते पे जा रहा था. मैंने जो ड्राइवर था, मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी गाड़ी में थे, मैं ज़्यादा बड़ा स्मार्ट बन रहा था कि मैं कौन, वो मेरा क्या कर लेंगे. लेकिन ड्राइवर ने कहा कि वो इन 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 लोगों के उंगलियों में एक ऐसी अंगूठी या कुछ पहना होता है, उसमें बहुत तीखा यंत्र लगा होता है, और वो एक मुक्का मारते हैं और पूरी की पूरी खिड़की टूट सकती है. परमेश्वर ने हमारी जान को बचाया. लेकिन सोचने की बात है, ये लड़के शायद 18-19 साल के रहे होंगे, 30-35 शायद उनका वजन होगा, शायद नशा करने वाले थे. रात को 2 बजे लोगों को लूटने की तीव्र इच्छा. तो हम अपनी धरती पे जो पाप देखते हैं, ये कहां से, कौन बढ़ा रहा है इस पाप को? शैतान है उसके पीछे. हर बुरी चीज के पीछे शैतान है. मेरे पीछे बोलें, हर बुरी चीज के पीछे शैतान है. यीशु मसीह ने उसको झूठा कहा यीशु मसीह ने उसको. ना केवल झूठा कहा, लेकिन झूठ का पिता कह दिया. मतलब वो दुष्टता का देवता है, झूठ का देवता है. इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ बोलने वाले होठों से नफरत करता है. स्पष्ट लिखा है बाइबल में. ऐसा नहीं लिखा कि अगर तुम झूठ बोलोगे प्रभु को अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं लिखा. क्या लिखा है? झूठ बोलने वाले होठों से क्या करता है? नफरत करता है. He hates lying lips. क्यों? क्योंकि झूठ के पीछे कौन है? शैतान है. हर बुरी चीज के पीछे शैतान है. शायद हमें से कितने लोग झूठ कितनी आसानी से बोल देते हैं, आराम से झूठ बोल देते हैं. झूठ के पीछे शैतान है. यहां तक कि यीशु ने उसे एक हत्यारा कहा. यीशु ने कहा चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने.
यीशु आया जीवन देने। हालेलुया। चोर कौन है? जो आत्माओं की चोरी करता है, जो भेड़ों की चोरी करता है, जो लोगों की चोरी करता है। शैतान सोना चांदी धन दौलत संसार की चीजों की चोरी नहीं करता, वो सब कुछ तो उसके हाथ में है, सारी धरती उसके हाथ में है। इसीलिए शैतान ने यीशु मसीह को भी ऑफर दिया था, मुझे झुक, मुझे प्रणाम कर। शैतान ने किसको कहा था? यीशु को कहा था, मुझे झुक, मुझे प्रणाम कर, देख ये सारी दुनिया की शानो शौकत और ताकत मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि शैतान है, उसी के हाथ में है ये सब कुछ। जब तक, हालेलुया, जब तक यीशु वापस नहीं आता और शैतान को हमेशा के लिए आग की झील में नहीं डाल देता। हालेलुया। तो भले हम इस पृथ्वी का राजकुमार यीशु शैतान को कहते हैं, लेकिन अंत में कौन है राजकुमार? यीशु मसीह राजकुमार है। लेकिन आज की डेट में जब तक यीशु वापस नहीं आता, कितने लोग जानते हैं यीशु वापस आने वाला है? जब तक यीशु वापस नहीं आते हैं, तब तक ये दुनिया का चाल चलन, दुनिया का आगे बढ़ना, दुनिया की तोड़ मरोड़, दुनिया में सारी जो झूठ है, जो गंदगी है, जो पाप है, सारी बुरी चीजें हैं, यहां तक कि दुनिया की धन दौलत नाम और शोहरत सब कुछ का राजा कौन है? शैतान है। लेकिन वो हत्यारा है। किस बात का हत्यारा है? किस बात की चोरी करता है? किस हत्या करना मतलब नष्ट करना। शैतान किस चीज को नष्ट करना चाहता है? आपकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। आप कहेंगे आत्मा तो अमर होती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा थोड़ी अमर होती है। आपने सही कहा, आत्मा अमर होती है, लेकिन कहां पर अमर होगी उससे फर्क पड़ता है। अमर तो है हमारी आत्मा, सारे बोलो हमारी आत्मा अमर है, पर फर्क जो आपको दुनिया वाले ना जानते हैं ना बता सकते हैं, फर्क इस बात का है, आपकी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन कहां पर जिंदा रहेगी? इस धरती पर मरने के बाद या तो हमारी आत्मा स्वर्ग में अमर रहेगी, या तो हमारी आत्मा नरक में अमर रहेगी। वहां पर वो लेके जाना चाहता है। क्यों लेके जाना चाहता है? क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। क्योंकि शैतान कौन था? शैतान एक बहुत बड़ा फरिश्ता था, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करने वाला फरिश्ता था, स्वर्गदूत था। जब उसने वहां पर पाप किया, कौन सा पाप किया? परमेश्वर का स्थान लेने का पाप, परमेश्वर जैसा, परमेश्वर से भी ऊपर बैठने का पाप उसने किया, और उसके अंदर घमंड आ गया, लालच का पाप और घमंड का पाप। और जब उसके अंदर लालच का पाप और घमंड का पाप जब उस स्वर्गदूत के अंदर आ गया, उसी क्षण परमेश्वर ने उसका न्याय किया, उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसे नरक में और धरती पर फेंक दिया। आज जो कुछ भी नरक में गंदा होता है, वो कहां से, धरती पर जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे कौन है? शैतान है, जो स्वर्ग से फेंका हुआ स्वर्गदूत है, जो अब स्वर्गदूत नहीं है लेकिन नरक का राजा बन चुका है। पर वो फिलहाल नरक में नहीं जल रहा है। शैतान कहां पे है? इस धरती पर घूम रहा है। जब एक बार शैतान ने, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने वो प्रस्तुत हुआ, प्रभु ने कहा तू कहां से आया? तो शैतान कहता है मैं धरती पर घूमता घुमाता फिरता फिराता आया हूं। शैतान क्या कर रहा है? धरती पर घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है, सैर कर रहा है। क्या कर रहा है? शिमला घूमने आया है शैतान। बताइए मुझे क्या करने आया है? लोगों को परमेश्वर से दूर करने आया है। आपको और मुझे, संसार के लोगों को पाप में धकेल धकेल के इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई स्वर्ग में ना पहुंच जाए, क्योंकि उसको पता है वो कभी नहीं जाएगा, वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा शैतान, और चाहता है कि आप और मैं भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करें। यही उसका धंधा है, यही उसका काम है। संडे को हम छुट्टी करते हैं, मंगलवार को हम छुट्टी करते हैं, हफ्ते में एक छुट्टी हम करते हैं, शैतान पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं करता है, क्योंकि शैतान हर वक्त हर दिन शैतान काम करता है। यीशु मसीह ने ये चीजें कही हैं शैतान के बारे में, उसे दुष्ट कहा, उसे शत्रु कहा, उसे पृथ्वी का, धरती का राजकुमार कहा, उसे झूठा कहा, उसे झूठ का पिता कहा, और उसे हत्यारा कहा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूं? अब यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, तो शैतान भी तो हमारा दुश्मन है, तो क्या हम यीशु की बात मानते हुए क्या हम शैतान से प्रेम करें?
एक दुश्मन है हमारा जिसको हमें प्रेम नहीं करना है, हमें उसको नफरत करनी है। बाइबल सिखाती है कि तुम परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी शक्ति से तुम परमेश्वर को प्रेम करो। तो परमेश्वर को अपने सारे दिल, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करने का मतलब ये भी है कि शैतान को अपने सारे मन, अपने सारे दिल और अपनी सारी शक्ति के साथ नफरत की जाए। परमेश्वर से प्यार करने का मतलब शैतान से नफरत करना। लेकिन एक बात है, हमें केवल शैतान से नफरत ही नहीं करनी है। नॉट ओनली डू वी हैव टू हेट द डेविल, वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट द डेविल। हमें केवल शैतान से नफरत नहीं करनी, हमें शैतान से बच के रहना है। हमें शैतान की चालों के विरुद्ध हमें चौकन्ने चौकस अलर्ट रहना है, आंखें खोल के रहना है, हमें ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना है। क्योंकि नफरत करना एक पैसिव इमोशन हो सकता है, ठीक है मैं शैतान से नफरत करता हूं, लेकिन वो एक मतलब बस अपने मन में सोच लिया मैं नफरत करता हूं, काम खत्म नहीं। अपने मन में तो तुम नफरत करते हो शैतान के साथ, लेकिन ध्यान भी रखना है, केयरफुल रहना है। तीन चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। शैतान के विरुद्ध हमें चौकस रहना है, शैतान का विरोध करते हुए हमें उसका सामना करना है। कुछ लोग शैतान से डरते हैं, आपको मालूम है, कुछ लोग शैतान से डरते हैं। शैतान से डरने का मतलब यह है कि हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है, हमें शैतान से डरना नहीं है, हमें डटकर उसका सामना करना है। आपके पास शक्ति कहां से आई सामना करने की? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, और बाइबल सिखाती है जो आपके अंदर है वो बड़ा है उससे जो आपसे बाहर है। शैतान आपसे बाहर है, घुसने की कोशिश तो करता है, लेकिन आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा शैतान से बड़ा है, इसलिए हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सारे क्रिश्चियंस को, सारे विश्वासियों को, सारे मसीहियों को शैतान की चालों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, सारे मसीहियों को। हम सोचते हैं जस्ट लव जॉय पीस इज इनफ, लेट्स टॉक अबाउट लव, हम प्रेम की बात करें, हम शांति की बात करें, हम सुसमाचार की बात करें। सुसमाचार की सबसे बड़ी बात क्या है? सुसमाचार में यही है कि परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया। परमेश्वर यहां पे द रीजन द सन ऑफ गॉड अपियर्ड वॉज टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, बाइबल सिखाती है। परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर हमें ध्यान तो रखना है, क्योंकि शैतान अभी इस धरती पर खुला छोड़ा हुआ है। शैतान अभी इस धरती पर जो अपनी मनमर्जी वो कर रहा है, लोगों के दिलों में गलत धारणाएं डालकर, गलत प्रेरणा देकर शैतान लोगों के जीवन को नष्ट करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। सो मैं आपको तीन चीजें आज सिखाऊंगा, शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, विरोध करते हुए उसका सामना करना, और तीसरा फाइनली उस पर विजय पाना। बाइबल बताती है कि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू मतलब लोग, हमारा संघर्ष लोगों के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। आत्मिक युद्ध में हम लोग हैं, हम सब आत्मिक युद्ध में हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। कुछ लोग उस युद्ध में जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं, कुछ लोग आराम से सोफे पर बैठे हैं, कहने का मतलब उनको परवाह ही नहीं है शैतान मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, किस प्रकार मेरे जीवन में बाधा डालता है, रोकना चाहता है, चर्च आने से रोकता है। आप लोग एक चीज को ध्यान रखना, जब भी आप सत्संग आने की बात करेंगे, अगर 6 बजे सत्संग होता है, आप ध्यान से नोट करना, बहुत बार 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे घर में झगड़ा हो जाएगा। सत्संग कितने बजे है? घर में झगड़ा कब हो जाएगा? या तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे झगड़ा हो जाएगा, या कोई इमरजेंसी काम आ जाएगा, कोई ना कोई रुकावट बाधा आएगी आप लोगों के परमेश्वर का काम करने के लिए, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। जब आप सोचेंगे आज के बाद ये पाप मैं नहीं करूंगा, जिस दिन आपने फैसला किया फ्रॉम टूडे आई विल नॉट डू दिस, आज से नहीं करूंगा, उसी दिन कर बैठते हैं। कौन है वो जो सामने लेके आता है थाली परोस करके पाप? कौन हमारे सामने लेके आता है? शैतान लेके आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शायद बहुत बुरा व्यक्ति हूं, शायद इसलिए ऐसा होता है मेरे साथ।
आगे आपको वचन में बताऊंगा, जब पहला पत्रस में पत्रस सिखाता है, शैतान तुम्हें गरजने वाले सिंह के बराबर, गरजने वाले सिंह के समान दरवाजे पर खड़ा है और तुम्हारे तुम्हें नष्ट करना चाहता है। लेकिन बाद में पत्रस कहता है, इसी प्रकार संसार के सारे मसीहियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब शैतान के साथ सामना करना केवल कमजोर मसीहियों की समस्या नहीं है, मजबूत मसीहियों की भी समस्या है। मतलब हर मसीही इस चीज को सामना करता है। आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर भी शैतान का सामना रोज करता है। आप ये मत सोचो सिर्फ आप हो, ऐसा मत सोचें, हर विश्वासी को शैतान का सामना करना पड़ता है। हम आत्मिक युद्ध में हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल, शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि तुम अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान, गरजते हुए सिंह, सिंह का मतलब शेर कह सकते हैं, एक गरजते हुए शेर के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। पर हमें गार्ड क्यों करना है? वाई डू वी नीड टू गार्ड? जब हमें गरजता हुआ सिंह के रूप में जब शैतान दिखाई देगा तो हम भाग जाएंगे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, मतलब रोशनी का देवता, रोशनी का फरिश्ता बन के हमारे सामने आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, शैतान गरजता हुआ सिंह है, पर वो आता किस रूप में है? आता किस रूप में है? रोशनी के फरिश्ते के रूप में। मतलब जब शैतान आएगा अपने को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान को पता है अगर मैंने जाके इनको बताया कि मैं कौन हूं तो क्या हम में से कोई उसकी बात मानेगा। इसलिए वी नीड टू गार्ड, इसीलिए हमें चौकन्ने रहना है। जब मेरे दोस्त मेरे कान में कोई बात डाल रहे हैं, कोई सजेशन मुझे दे रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की आवाज है या शैतान की पकड़ है? गार्ड करना है, ध्यान रखना है, जांचना है, परखना है। वी नीड टू गार्ड, हमें गार्ड इसलिए करना है, अपने चौकन्ने होके इसलिए रहना है, क्योंकि भले ही वो एक शेर है लेकिन जिस रूप में वो प्रकट होता है वो रूप कौन सा है? फरिश्ते का रूप है। फरिश्ते के रूप में आएगा और हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान रहना चाहिए। हमें दूसरी बात, हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जैसे आप पढ़ सकते हैं, जब शैतान यीशु की सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कितने समय के लिए गया? मतलब यीशु शैतान के सामने आया, शैतान यीशु मसीह के सामने आया और शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। जब यीशु मसीह के सामने वो टिक ना सका और यीशु की बातों में वो हार गया तो क्या लिखा है? शैतान वहां से चला गया। लेकिन क्या हमेशा के लिए? कुछ समय के लिए चला गया। हमें इसलिए चौकन्ने रहना है, वी नीड टू गार्ड, हमें इसलिए चौकस रहना है शैतान के प्रति, क्योंकि भले ही आज वो आपके सामने नहीं है लेकिन कल आने वाला है। हो सकता है आज आप मजबूत हैं तो आपने यीशु की तरह उसको वचन से जवाब दे दे के और अपने विश्वास के द्वारा आपने शैतान को भगा दिया, लेकिन कुछ समय के लिए ही वो आपसे दूर जाता है, फिर आएगा वापस, कोशिश करेगा, एंट्री मारने की कोशिश करेगा, जीवन में आएगा, ख्यालों के द्वारा आएगा, मन में जो विचार आते हैं उनके द्वारा आएगा, अपने आपके दोस्तों के द्वारा आएगा। यीशु के जीवन में एक बार शैतान उसके दुश्मनों के रूप में नहीं आया, अपने ही चेले के रूप में आया था। कैसे मालूम? यीशु मसीह ने बोला कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मुझे क्रूस पर मरना होगा, तो यीशु का चेला पत्रस बहुत भावुक हो गया और कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप नहीं मर सकते, आप तो हमारे प्रभु हैं। तो यीशु को समझ थी। यीशु ने पता क्या कहा पत्रस से? यीशु ने पत्रस से कहा, शैतान मुझसे दूर हो। यीशु किससे बात कर रहे थे? पत्रस से बात कर रहे थे, अपने चेले से बात कर रहे थे। लेकिन गरजता हुआ सिंह किसके रूप में आया? ज्योति के फरिश्ते के रूप में आया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था यीशु क्रूस पे अपनी जान दे दे।
क्योंकि अगर यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी मतलब शैतान हार गया। इसलिए शैतान यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने से रोकना चाहता था। तो जब यीशु ने कहा मैं क्रूस पे जाने वाला हूं, पतरस के अंदर से शैतान बोला, क्या बोला? नहीं नहीं, आप क्रूस पे नहीं चढ़ेंगे। इसलिए हमें चौकन्ने रहना है। और यीशु ने बोल दिया, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर की राज्य की बातें नहीं है। इसलिए जब आप शैतान का सामना करते हैं, वो आपसे दूर चला जाता है, ध्यान रखना है वो वापस भी आने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें गार्ड करना है, चौकस रहना है। बाइबल सिखाती है शैतान को अवसर ना दो। सब लोग सामने देखें, डू नॉट गिव अ फुट होल्ड टू द एनिमी। जब पॉलुस इस बात को लिख रहा था, वो वहां पर गुस्से के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब शैतान हमारे जीवन में किसके द्वारा आ सकता है? जब हम अपने गुस्से पर काबू नहीं करते हैं, शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। आप सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा या शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है? आपको लगता है कि शैतान हमारे जीवन में तब काम करता है जब कोई आदमी या कोई बहन, ओके, जब बिस्तर पे लोट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बाल खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें लगता है सिर्फ तभी शैतान आता है। शैतान तब भी हमारे जीवन में आता है जब हम अपने गुस्से पर काबू नहीं करते हैं। गुस्सा तो आएगा, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और गुस्सा एक भावना है। गुस्सा का आना समस्या नहीं है, लेकिन गुस्से का रहना और गुस्से में अपने आप को बेकाबू कर देना, गुस्से को कंट्रोल ना करना, गुस्से का सही प्रयोग ना करना, इसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है शैतान को अवसर ना दो। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जब वो ये कह रहा था शैतान को अवसर ना दो, वो गुस्से की बात कर रहा था। लंबे समय तक अपने मन में गुस्सा नहीं रखें, क्योंकि जो आज किसी को नापसंद करना है, कल आप उसके साथ नफरत करेंगे, उसके बाद आप उससे बहुत ज़्यादा घृणा करेंगे, और घृणा यीशु मसीह के अनुसार आपने घृणा कर दी तो आपने हत्या ही कर दी। लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, लोग हत्या क्यों करते हैं? उनको किसी के ऊपर गुस्सा है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसके साथ नफरत, वहां से घृणा, घोर घृणा उत्पन्न हो गई और जाकर के उसका क्या कर दिया? खून कर दिया। शैतान ने पूरी तरह से काबू कर लिया। बहुत से लोग इस प्रकार गुस्से के मारे, अभी सुनने में आया था कि 50 रुपए के पीछे राजस्थान में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया। गाड़ी पार्किंग करने की समस्या से साउथ दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक सरदार भाई ने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि उसने, एक भाई ने दूसरे भाई की जगह पर अपनी गाड़ी लगा ली। अपने गुस्से पर काबू ना करना शैतान को अपनी जिंदगी में, शैतान के काम पूरे करने का हम इनविटेशन देते हैं, आजा शैतान तू अपना काम कर। इसलिए केवल दुष्ट आत्मा जब किसी के अंदर आती है, वो नाचता है, बिस्तर पे लोट होता है, धोखे में मत रहो। हर वक्त शैतान उस रूप में नहीं आता। अगर आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। गुस्से से सब, हर बुरी चीज गुस्से से आती है। जहां तक ये लड़ाई झगड़े की बात है, ये गुस्से से उत्पन्न होती है। गुस्सा एक पति को आया और उसने अपनी पत्नी को मार दिया। एक बार मारा, उसे लगा मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। उसको लगता है कि हाँ, इसने गलत किया, मैंने गुस्सा कर दिया, वो आदमी ठंडा हो गया। उसको लगता है हाँ यार, ये तरीका अच्छा है, गुस्सा ठंडा करने का तरीका, कि पत्नी को मारो। तो फिर क्या होगा? वो करते 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 अपनी पत्नी को इतना मारेगा, उसका शरीर खराब हो जाएगा। और बहुत से पति हैं जो वाकई में अपनी पत्नियों को हत्या भी कर देते हैं। हमें इसलिए चौकस रहना है, क्योंकि हमारी एक भावना जो कि गुस्सा है, उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। आगे देखते हैं कि शैतान हमें, हमसे कोई लाभ ना, ये बाइबल के वचन है सारे जो लिखे हुए हैं, शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। सब लोग ध्यान से सुने, यहां पर किस चीज की बात कर रहा था पौलुस जब उसने लिखा? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, यहां पर पौलुस किसी को माफ ना करने के बारे में लिख रहा था। सो हाउ डज द डेविल वर्क अगेंस्ट अस?
The devil works against us when we do not forgive other people for a long time. जब लंबे समय के लिए हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, वहां पर शैतान काम करता है. हमें लगता है कि उसने मेरे खिलाफ बहुत गलत किया, मेरे पास राइट है. I have the right who I will speak to and who I will not speak to. I have the right who I will forgive and whom I can't forgive. I can't forgive. अगर मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकता. हमें लगता है कि इस चीज का अधिकार हमारे पास है. अगर इस चीज का अधिकार आपके पास है ना, कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते, ध्यान से सुने, परमेश्वर के पास इस बात का अधिकार है कि वो आपको आपके पापों के प्रति क्षमा ना करे. जब परमेश्वर आपको क्षमा करता है, परमेश्वर की माफी तो हम झट से पा लेते हैं. जब हमें किसी को क्षमा करने की बारी आती है, हम क्षमा नहीं करना चाहते. तो मत करो क्षमा, लेकिन परमेश्वर की क्षमा वापस करो. परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, उसकी क्षमा वापस करो. प्रभु, मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए, मैं मेरे पापों में ठीक हूं. परमेश्वर, ये लो आपकी क्षमा वापस. और परमेश्वर की क्षमा वापस करने का मतलब क्या है? नरक में हमेशा के लिए जलना. और जब परमेश्वर के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है कि हम नरक में जलते हैं. उसी प्रकार जब हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम इस धरती पर जीते जीते शैतान का काम, नरक का काम हमारे जीवन में यही होने लगता है, क्योंकि अमाफी का नतीजा वही है. तो जब यहां पर पौलुस सिखा रहा है ना कि शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए, ये विश्वासी लोगों से कहा गया है. मतलब शैतान विश्वासी लोगों से अपना फायदा निकलवा सकता है, शैतान विश्वासी लोगों के अंदर से अपना लाभ निकाल सकता है. कैसे निकालेगा मालूम? वो आपके मन में इस भावना को डालेगा कि देख, उसने तेरे खिलाफ बहुत गलत किया, देख उसने तुझे नष्ट कर दिया, देख उसने तेरे खिलाफ तेरी कितनी बेइज्जती करी, देख उसके द्वारा तेरा कितना नुकसान हुआ, तू उसको क्षमा मत करना. और उस भावना को हम अपने मन में अंदर बिठा के रखते हैं, उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसको मेरे सामने मत लेके आना. और 10 साल, 15 साल, 20 साल हम अपने दिल में नफरत को रखते हैं दूसरे लोगों के प्रति और उन्हें माफ नहीं करते हैं. शैतान आपके जीवन में काम कैसे करता है? इसी प्रकार काम करता है कि आप किसी को क्षमा ना करो और आपके जीवन में बीमारी, आपके जीवन में डिप्रेशन, आपके जीवन में दुख शैतान अपने नरक से बरसात करता है आपके ऊपर. बहुत सारी कहानियां हमारे पास, लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा कि बहुत बार बहुत से लोग अमाफी के कारण बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया. और ये बात बिल्कुल सटीक और स्पष्ट है, गवाहियां हैं हमारे पास. आप किसी को लंबे समय तक क्षमा मत करो, आप बीमार पड़ जाओगे. कनेक्शन है, चीजें जुड़ी हुई हैं. और यहां पर बीमारी शैतान की तरफ से आपके जीवन में और मेरे जीवन में आ सकती है, अगर लंबे समय तक अगर हम किसी को क्षमा ना करें. वी गार्ड अगेंस्ट द डेविल बिकॉज इवन दो ही इज अ लायन, ही अपीयर्स लाइक एन एंजल. हम इसलिए शैतान के प्रति चौकस रहते हैं क्योंकि भले ही वो एक शेर है, लेकिन वो उत्पन्न किस रूप में होता है? फरिश्ते के रूप में होता है. वी गार्ड अगेंस्ट द डेविल बिकॉज ही कम्स एंड गोज बट वॉन्ट्स टू कम बैक अगेन. हम इसलिए चौकस रहते हैं क्योंकि भले ही शैतान एक बार जीवन में आके वापस चला गया, लेकिन दोबारा आना चाहता है, दोबारा आपके जीवन में. ही वेट्स फॉर द राइट टाइम, जस्ट लाइक ही डिड विद जीसस. जैसे शैतान ने यीशु के साथ किया, वैसा आपके साथ करता है. चला तो जाएगा, दोबारा आना चाहेगा. वी गार्ड अगेंस्ट द डेविल बिकॉज इफ वी डोंट मैनेज अवर एंगर, ही हैज अ फुटहोल्ड. हम शैतान के प्रति इसलिए चौकस रहते हैं क्योंकि अगर हमने अपने मन में गुस्सा लंबे समय तक रखा और गुस्से पर काबू नहीं पाया, तो गुस्से पर काबू ना पाना मतलब शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए कहना. और आखिरी बात कि हम शैतान को अपने जीवन में आने से रोकते हैं, गार्ड करते हैं, बच के रहते हैं अमाफी के, अमाफी से बच के. मतलब हम किसी को लंबे समय तक उसके प्रति अपने दिल में गुस्सा नहीं रखते, हम उसे क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? सब लोग सुन रहे, क्या करेंगे? हम माफ कर देंगे. आगे बढ़ते हैं. हमें रेजिस्टिंग मतलब विरोध करते हुए शैतान का सामना कर, सब बोलो, विरोध करते हुए शैतान का सामना करना.
सब बोलो विरोध करते हुए शैतान का सामना करना। बाइबल बताती है कि तुम विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो। अभी हमने आपसे कहा कि आपको शैतान का क्या करना है, विरोध करना है। द बाइबल सेज हाउ डू यू रेजिस्ट द डेविल, प्राइमेरली बाय योर फेथ। हालेलुया। आप किस प्रकार शैतान का सामना करते हैं, मुख्य रूप से अपने विश्वास में दृढ़ बने रहकर। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है अगर इस व्यक्ति ने परमेश्वर पे विश्वास रखा हुआ है, परमेश्वर इसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा आपके जीवन में आकर के। पर अगर आप अपने विश्वास में डावाडोल हैं, कमजोर हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जब जब आप अपने विश्वास में कमजोर होते हैं, शैतान आपके जीवन में एंट्री मारना चाहता है। सो रेजिस्ट द डेविल, बट द बाइबल सेज रेजिस्ट हिम बाय बीइंग स्ट्रांग इन योर फेथ। अपने विश्वास में मजबूत बने रह करके हम शैतान का विरोध कर सकते हैं। और लिखा है, ये जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, मतलब तुम्हारे विश्वासी भाई जो पूरी दुनिया में है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार यातना सह रहे हैं। दिस इज हैपनिंग विथ एवरीबडी। ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है। शैतान दुनिया के सारे विश्वासियों को नष्ट करना चाहता है। तुम उसका सामना करो। कैसे करोगे? सबसे पहले अपने किस चीज के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखो तो प्रभु है जो आपका रक्षक है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरी बात लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, शैतान का सामना तो करते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, शैतान का सामना करने से पहले क्या करना है, पढ़ो सारे, परमेश्वर के अधीन होना है। हमारे विश्वासी लोग पता कैसे हैं, शैतान का सामना करने निकल पड़ते हैं, परमेश्वर की अधीनता में चलते नहीं, छुप छुप के पाप करते हैं, अपने पति के विरुद्ध महिलाएं शायद हो सकता है पाप करती हैं, अपनी पत्नियों के विरुद्ध भाई लोग शायद पाप करते हैं, झूठ आसानी से बोलते हैं, चर्च आना अच्छा नहीं लगता, संगति में आना अच्छा नहीं लगता, बाइबल पढ़े हुए 3 महीने हो गए, प्रार्थना 15 दिन से नहीं करी है, शैतान का सामना करने चले हैं। आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे? इसीलिए बाइबल कहती है रेजिस्ट हिम, बट बिफोर दैट द बाइबल सेज सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। परमेश्वर के साथ क्लोज हम चल नहीं रहे हैं, हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, रोज रोज के जीवन में परमेश्वर के साथ साथ हम नहीं चल रहे हैं। और कहां दुष्ट आत्मा किसी में चल पड़े निकालने, दुष्ट आत्मा खुद ही चिपक के आपके घर आ गई। कहने का मतलब कि अगर शैतान का सामना करना है तो परमेश्वर के साथ साथ चलना है। सबमिट योर सेल्फ टू गॉड, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। उसको पता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के अधीन है। जो परमेश्वर के अधीन है उस पर प्रभु की कृपा बनी हुई है और प्रभु उसकी रक्षा करता है, प्रभु उसे संभालता है। वी रेजिस्ट द डेविल बाय बीइंग फर्म इन आवर फेथ। अपने विश्वास में मजबूत रह करके हम शैतान का सामना करते हैं। वी रेजिस्ट द डेविल बाय फर्स्ट सबमिटिंग अवर सेल्फ टू गॉड एंड फ्रॉम दैट पोजिशन वी टेक अ टफ एंड बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट द एनिमी। हम शैतान का सामना कैसे करते हैं, पहले हम परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं, फिर वहां से हम शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अधीन शैतान आ नहीं सकता। समझ में आ गया? ये परमेश्वर है, आप उसके नीचे हैं। शैतान क्या परमेश्वर के अधीन कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। परमेश्वर की शरण में शैतान को कभी भी जगह नहीं मिलेगी। जब आप ऑलरेडी परमेश्वर की शरण में हैं, परमेश्वर के पंख आपको संभालते हैं, परमेश्वर के दूत आपको संभालते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। और आखिरी, और ये बहुत 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 जरूरी है, ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम शैतान का सामना उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? पाप से बचकर। कैसे कर सकते हैं? एवरी टाइम यू सिन यू आर इनवाइटिंग द डेविल इन योर लाइफ। ऑलरेडी यू आर सिनिंग बाय हिज इंस्पिरेशन। वंस यू कमिट द सिन, मच मोर ही बिकम्स द लीडर ऑफ योर लाइफ फॉर दैट फेज ऑफ योर लाइफ। पहले से ही ऐसा है कि जब आप पाप कर रहे हैं शैतान की प्रेरणा से कर रहे हैं, और जब आप पाप कर रहे हैं तो शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसे अधिकार मिल रहा है, उसे राइट मिल रहा है। क्यों? तुमने इनवाइट किया है उसे।
इसीलिए बाइबल कहती है तुम जब भी पाप करो परमेश्वर से दूर ना भागना, क्योंकि शैतान तुमको और दूर परमेश्वर से करेगा, लेकिन जब भी तुमसे पाप हो जाए भाग करके परमेश्वर के चरणों में आकर के तुरंत माफी मांगो, यीशु के लहू से शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करो और खड़े हो जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि जितनी बार तुम परमेश्वर से, जब तक तुम जिंदा हो, जितनी बार तुम सच्चे मन से परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, परमेश्वर क्षमा देने को दयावान है। लेकिन हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? पाप से बच करके। अभी देखो वचन, अभी आप लोगों को पता चलेगा, जो पाप करता रहता है वो शैतान से है। क्या लिखा बाइबल में? पढ़ो सारे। जो पाप करता रहता है वो शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। आगे देखें, प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखते, कितने लोगों को प्रभु पर आशा है? हम सबको है। अब आप सब अपना हाथ ऊपर रखें और अब इसको वचन को पढ़ें, क्या लिखा है? पढ़ो सारे। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वो। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कितनों को प्रभु की आशा चाहिए, सबने हाथ उठाया। अब मैं, अगर मैं आपसे पूछूं, और हाथ मत उठाना, अपने दिल में इसका उत्तर देना, कितने लोग अपने जीवन में पवित्र होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? आशा, फ्री गिफ्ट, परमेश्वर माफी दे रहा है, आशा दे रहा है, प्यार ले रहा है, प्यार दे रहा है, सब लोग ले रहे हैं, प्रभु मुझे भी दो, हम सबने हाथ उठाया ना। लेकिन पवित्र होने के लिए हमारे पास बहाना है। पवित्र होने के लिए हमें लगता है मैं बाद में करूंगा, अगले साल से करूंगा, कल से छोड़ दूंगा। बाइबल कहती है जब तू आज वचन को सुनता है मन को कठोर मत कर। बाइबल नहीं कहती कि तू सोमवार से शुरू करना, बाइबल नहीं कहती कि तू अगले महीने एक तारीख शुरू करना ढंग का बनना, बाइबल नहीं कहती कि तू अब तो चलो 2018 खत्म ही हो गया और दो महीने मौज कर ले फिर नए साल से शुरू करियो। भाई तू 31 दिसंबर को इस दुनिया से विदा ले सकता है और तू एक तारीख का इंतजार कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जो उस पर सचमुच में आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र बनाता है जैसा कि परमेश्वर पवित्र है। जो कोई मसीह में बना रहता है पाप नहीं करता रहता, मतलब जो मसीह में है कंटिन्यूअसली बार बार ढीठ होके पाप नहीं करता रहता, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम उठ के आगे बढ़ते हैं माफी मांग करके। लेकिन गुप्त रूप से जिनके जीवन में पाप है, गुप्त पाप है, छुपा हुआ पाप है, छुपी हुई कोई गंदी आदत है, तो बाइबल कहती है जो मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता रहता। ही डज नॉट कंटिन्यूअली सिन। पहला यूहन्ना 3:9 वचन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ क्या मतलब? जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो नया जीवन पा चुके हैं, जो पापों की माफी पा चुके हैं, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, हालेलुया, पहले नहीं था अब है, और वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर आप लोग मसीही हो, अगर आप लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, पाप से नफरत करना है, पाप में आप बने नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते सिखाऊंगा, ओवरकमिंग द डेविल, शैतान पर विजय पाना। देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, मैंने आपको सिखाया है शैतान के प्रति चौकस रहो, मतलब ध्यान रखो, अभी तुम विश्वासी हो, ध्यान रखो शैतान किस रूप में, दोस्तों के रूप में, आपकी आदतों के रूप में, आपके पुराने जीवन की याद के रूप में, आपके कभी कभी दुश्मनों के रूप में भी, और किसी भी रूप में शैतान आपकी जिंदगी में आ सकता है। इसलिए क्या लिखा है? तुम गार्ड करो, मतलब तुम चौकन्ने रहो। फिर मैंने आपसे कहा रिजिस्ट करो, क्यों? क्योंकि आप दूर से चौकस तो रह रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि शैतान आपके नज़दीक ज़रूर आएगा। आपके जीवन में ऐसे ऐसे सिचुएशन, मेरा मानना है हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि शैतान बहुत नज़दीक आ जाएगा, उस समय आपको उसका विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र गार्ड किया और कभी पकड़े नहीं गए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पापी हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, ढीले हो जाते हैं।
इसलिए आप इधर ध्यान रख रहे हो, शैतान उधर से आ रहा है। इसलिए कभी कभी शैतान बहुत नजदीक आ जाएगा, उस समय आपको उसका विरोध करना है। हालेलुया, उस समय डर के नहीं भागना। जहां डर है वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लेकिन जहां परमेश्वर का प्रेम हम समझ लेते हैं वहां डर हमारे जीवन में काम नहीं करता। परफेक्ट लव कास्ट्स आउट ऑल फियर। परमेश्वर का सच्चा प्यार हमारे दिल से डर को भगा देता है। इसलिए जब भी शैतान आपके बहुत नजदीक आ जाए, जब भी शैतान आपके मन के विचारों के द्वारा, जब भी शैतान आपके दोस्तों के द्वारा, जब भी शैतान आपकी आदतों के द्वारा, जब भी शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा, जब भी शैतान किसी आपके कर्म के द्वारा जब आपके जीवन में बहुत नजदीक आ जाता है, उस समय आपको अपना मुंह खोलकर और आपको अपने दिल में गहरा विश्वास लेकर और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति को लेकर के आपको शैतान का सामना करना है और कहना है, शैतान तू मेरे मन से बाहर निकल, तू मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि मैं यीशु की संतान हूं। शैतान का सामना करना है। शैतान का सामना करना मतलब शैतान को नो कहना, उसे गेट आउट कहना, निकल जा मेरे जीवन से ऐसा कहना। शैतान को यह कहना कि मैं तेरी बातों को ग्रहण नहीं करता हूं, मैं तेरे विचारों को अपने दिल में ग्रहण नहीं करता हूं। यह है शैतान का सामना करना। प्रभु में बने रहो, शैतान का सामना करो, वो तुमसे चला जाएगा। और अंत में जो मैं आपको अगले हफ्ते सिखाऊंगा, ओवरकमिंग द डेविल, फाइनली जब युद्ध चल रहा होता है, पहले तो आप दूर थे, राइट? पहले आप दूर थे, सिर्फ चौकस थे, अभी शैतान पास आ गया है, आप उसका सामना कर रहे हो, अब आप लड़ाई कर रहे हो, लेकिन लड़ाई करते करते किस प्रकार उस पर हम विजय पा सकते हैं, हालेलुया, ये भी आपको करना है और आप कर सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीन चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल, शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, Resisting the devil, शैतान का विरोध करते हुए उसका सामना करना, उससे डर के नहीं भागना, और तीसरा उस पर विजय पाना। Hallelujah! मैं चाहता हूं कि आप लोग अगले हफ्ते जरूर आएं, क्योंकि अगले हफ्ते मैं आपको शैतान के विषय में और कुछ बातें सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जरूर अगले हफ्ते जरूर आएं और इस विषय को हम और ज्यादा सीखेंगे। कितने लोगों ने कुछ सीखा आज की शाम? अपनी आंखें बंद करें, एक मिनट के लिए शांत रहें, प्रभु से अपने मन में प्रार्थना करें।